मिशन 40 सीटेट में स्वागत है। मिशन 40 सीटेट लिखते हैं MISSION, है ना, मिशन 40 सीटेट। मिशन 40 सीटेट लिखिएगा, देखिए आपका यहाँ पर मिशन 40 सीटेट का जो है एप्लीकेशन आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा, और इस एप्लीकेशन को जो है यहाँ से क्लिक करके जो है आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मिशन 40 सीटेट एक बेहतरीन एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको जो है सीटेट से रिगार्डिंग सारी तैयारी करवाई जाती है आपका। अगर आप घर बैठे जो है सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन से आप जो है सीटेट का सारा प्रिपरेशन जो है आप कर सकते हैं, बड़े ही चीपेस्ट रेट पे जो है आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन है जीवन का अनोखा काल माना गया है, तो जीवन का सबसे अनोखा काल कौन सा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। जीवन का जो सबसे अनोखा काल है वो मेरा कौन सा होता है? बाल्यावस्था होता है। बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एज जो होता है वो फाउंडेशन का एज होता है। बच्चे को जो है डेवलप करने का जो है, अपनी चारित्रिक विकास का, अपनी जो है सामाजिक विकास का जो है करने का जो अवस्था होता है वो बाल्यावस्था ही होता है। शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। जब किसी बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो उसमें जो है शिक्षा का मुख्य केंद्र किसको लेकर के माना जाता है? शिक्षक को, विद्यार्थी को, मूल्यांकन को कि पाठ्य विषय वस्तु को? देखिए शिक्षा के मुख्य केंद्र में जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है विद्यार्थी का रखा जाता है, क्योंकि हमको किसको डेवलप करना होता है? विद्यार्थी को डेवलप करना होता है। इसलिए ज़्यादातर जो फोकस्ड हम लोग करेंगे, ज़्यादा जो ध्यान जो केंद्रित करेंगे वो विद्यार्थी के ऊपर करेंगे। शिक्षक इसमें मायने रखता है, मूल्यांकन इवेल्यूशन मायने रखता है, और आपका जो है जो कैरिकुलम आपका है, जो पाठ्यक्रम आपका है, वो भी आपका मायने रखता है। तो मुख्य केंद्र बिंदु में किसको रखना है? विद्यार्थियों को रखना है। थर्ड क्वेश्चन है कि मापन द्वारा प्राप्त मान होता है, मापन के द्वारा जो है प्राप्त मान क्या होता है? वो सापेक्षिक होता है कि निरपेक्ष होता है, कि निरपेक्ष सापेक्ष दोनों होता है, और इनमें से कोई नहीं आपका। देखिए मापन के द्वारा जो प्राप्त मान होता है वो निरपेक्ष होता है आपका। कैसा होता है? निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि बालकों का सार्वधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, बालकों का सार्वधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, कहाँ पर होता है? घर में होता है कि मित्र और के साथ अंतःक्रिया करके होता है, कि विद्यालय और कक्षा में होता है, कि खेल के मैदान में होता है? देखिए बालक का जो है सबसे ज़्यादा जो विकास होता है ना विद्यालय एवं जो है कक्षा में होता है, घर में आपका नहीं हो सकता, क्योंकि घर में उस प्रकार की माहौल नहीं होती है जिससे उसका ब्रेन डेवलप कर सके। मित्र के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि मित्र के साथ क्या, वो जो है ज़्यादातर जो है अनवांटेड प्रोसेस को करने का प्रयास करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही है, खेल के मैदान में भी नहीं होगा, क्योंकि खेल के मैदान में खेलने से क्या होगा, ज़्यादातर आपका जो है बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है, लेकिन विद्यालय और कक्षा में आपका जो है बौद्धिक विकास ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, आपको मैथ भी पढ़ना होता है, साइंस भी पढ़ना होता है, बच्चे को हिंदी भी पढ़नी होती है, तो अलग अलग प्रकार के टीचरों के द्वारा जो है, अलग अलग प्रकार शिक्षकों के द्वारा जो है अलग अलग विषय को पढ़ाया जाता है, उसका लैब करवाया जाता है, उसको खेल के माध्यम से करवाया जाता है। 5 अभिवृत्ति से प्रभावित होता है बालक का कौन सा गुण? तो अभिवृत्ति से जो बालक का व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है, व्यवहार भी प्रभावित होता है, अधिगम भी प्रभावित होता है, इसलिए उपयुक्त में से तीनों आपका जो आंसर क्या है, सही आपका है, क्योंकि अभिवृत्ति से जो है बालक के जो है सभी गुणों को क्या होता है, प्रभावित आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 6 टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना है? तो टर्मन एक शिक्षाविद थे आपका जो है, एक शिक्षा शास्त्री थे, और उन्होंने जो है माना था कि जो है बुद्धि जो होता है अनेक प्रकार का जो है वो अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन का विषय होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विषय होता है। अमूर्त चिंतन को इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विषय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है सही आपका है। व्यक्ति का वह गुण जिसके माध्यम से वह परिस्थितियों से सामंजस्य बनाए रखता है क्या कहलाता है? तो परिस्थितियों से सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया को हम लोग जो है समायोजन के नाम से जानते हैं, परिस्थितियों से सामंजस्य बनाए रखने की प्रक्रिया को समायोजन बोलते हैं, है ना। समायोजन ही वह प्रक्रिया है जिसके कारण जो है कोई भी व्यक्ति जो एम सेट करता है, जिस लक्ष्य को जो है
सेट करता है कि हमें इस लक्ष्य को जो है प्राप्त करना है, तो उसमें कितनी भी सारी बाधाएं आती हैं, कितनी भी सारी परिस्थितियां जो है उत्पन्न होती है, उसको क्या करता है, सामंजस्य बनाए रखने का जो है प्रयत्न करता है। इसलिए ट्रेट सामान्यतः उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन उन बालकों हेतु किया जाता है जो होते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षा का जो विषय है वो आपका जो जनरली जो है वैसे बालकों लिए किया जाता है जो शैक्षिक रूप से जो क्या होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं। ध्यान रखना है, उपचारात्मक शिक्षा का विषय जब भी आएगा तो वैसे बालकों को उपचारात्मक शिक्षा दी जाती है जो शैक्षिक रूप में जो क्या होता है, पिछड़े होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षा नहीं है, ध्यान रखिएगा। शारीरिक रूप से विकलांग बालक के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए अलग प्रकार की पढ़ाई होती है। जो मानसिक रूप से मंद होते हैं उनके लिए भी उपचारात्मक शिक्षा नहीं है, उनके लिए अलग प्रकार की जो है पढ़ाई का ट्रीटमेंट आपका होता है, ठीक है। तो अगर कोई बालक जो है अपनी कक्षा में जो है पिछड़ा है, उसको अच्छी ढंग से जो है सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षा का जो है विधि का हम लोग आयोजन करते हैं। कि अगर कोई क्लास में मान लिया आपका राम एक स्टूडेंट आपका है और राम आपका मैथ में पढ़ने में क्या कमजोर आपका, ठीक है, तो मैथ्स में अगर राम कमजोर है तो मैथ्स के टीचर को चाहिए कि उसको क्या करे, एक्स्ट्रा क्लास दे करके जो है जो मैथ्स की जो बेसिक नॉलेज है उसको क्या करे, प्रोवाइड करवाए आपको। तो ऐसी एजुकेशन को बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। तो इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को जो है अध्ययन करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, कर बालकों के भाषा विकास पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव सबसे अधिक रूप से पड़ता है। अगर किसी में जो है लैंग्वेज को डेवलप करना है, बालक में किसी बच्चे में जो है लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा जो है प्रभावी आपका होता है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य होगा कि उसका बौद्धिक विकास होगा कि उसका यौन भेद होगा कि पारिवारिक सामाजिक आर्थिक स्थिति होगा। देखिए, अगर किसी बच्चे को अगर आपने बोलते हुए देखा होगा तो पारिवारिक और सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है कोई मायने नहीं रखता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा जो है समाज अगर कोई बच्चा जो है आर्थिक रूप से जो है मजबूत है तो ज़्यादा अच्छी बातें कर सकता है, अच्छी कोई बात नहीं है। यौन भेद भी ये डिपेंड नहीं करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है लड़के ही अच्छी बातें करते हैं, लड़कियाँ नहीं करती है, ठीक है। और बौद्धिक विकास भी कोई बहुत बड़ा चीज़ आपका नहीं, कोई इंटेलिजेंट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अच्छा बोलेगा ही, ठीक। तो बालक में भाषा का जो विकास होता है वो शारीरिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए आप में ये तीनों गुण आपका है, ठीक है, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो क्या आप भाषा का अच्छी पकड़ बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप जो है अच्छी भाषा का और अच्छी प्रकार से भाषा को क्या कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं आपका, ठीक है। समय 10 है कि जो है पियाजे के मत के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण क्या आपका। तो देखिए, पियाजे जो शिक्षा छात्र थे उनका जो है संज्ञानात्मक विकास का जो प्रथम चरण था वो था संवेदी गतिशील स्तर था आपका। कौन सा था, संवेदी गतिशील स्तर। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में हमेशा जो है पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे ढंग से जो है रिकवर कर लें आपका, ठीक है। तो पियाजे के मत के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण जो था आपका जो है संवेदी गतिशील स्तर था आपका। क्वेश्चन नंबर 11, बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से जो है कौन सी आयु सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका। अगर किसी बालक में जो सामाजिक क्रियाओं का जो है विकास करना है या मानसिक क्रियाओं का विकास करना है तो सबसे अच्छा जो एज होता है आपका जो 10 से 15 साल का होता है। 10 से 15 साल के बच्चे को आप जो भी सिखा दीजिए वो सारी बातें क्या करते हो जो है वो गेन कर लेते हैं आपका, ठीक। कुछ भी सिखाइए उनको, मैथ, संस्कृत, हिंदी, कोई भी विषय के अगर आप ज्ञान दीजिएगा तो हर विषय को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे आपका, ठीक। तो ये जो एज होता है सबसे जो है बेहतरीन एज होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 आपका, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी। अगर हमको क्लास में पता करना है कि सबसे पिछड़ा बालक कौन सा है, पिछड़ा बालक पीछे में मैंने बता चुका था वैसा बालक जो एजुकेशन के दृष्टिकोण से जो है सब्जेक्ट के दृष्टिकोण से जो है थोड़ा कम नॉलेज वाला हो, थोड़ा कम ज्ञान वाला हो, ऐसे बालकों को बोलते हम लोग पिछड़ा बालक बोलते थे, है ना। जो शिक्षक के द्वारा बताया गया चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते वैसे बालक को कहा जाता है पिछड़ा बालक कहा जाता है। तो अगर हमको पता करना कि क्लास में कौन सा पिछड़ा बालक है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या होगा, क्या हम उसका आईक्यू टेस्ट करेंगे, ये गलत आपका है।
आईक्यू टेस्ट करने से पता नहीं चलेगा। बुद्धि लब्धि का मतलब होता है आईक्यू टेस्ट होता है। शैक्षिक लब्धि पता करेंगे कि आखिर में कितना पढ़ा लिखा है, कि उसका मानसिक आयु पता करेंगे, या इनमें से कोई नहीं आपका। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका जो है सी आपका जो है सबसे अच्छा आंसर आपका है, उसका मानसिक आयु देखेंगे। किसी बच्चे को हम पिछड़ा कब कहते थे, है ना? किसी बच्चे को पिछड़ा बालक तभी हम कहते हैं कि अगर वो बच्चा 12 साल का है ना, लेकिन 12 साल के बच्चे के जैसा बिहेव नहीं करता है, उसके पास जो ज्ञान जो है वो 12 साल के बच्चे के तरीके जैसा नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं कि आखिर बच्चा जो है पिछड़ा बच्चा है। मतलब मानसिक आयु अगर उसका घटता है तो उसको हम बोलते हैं कि पिछड़ा बच्चा। अब अगर कोई 12 साल का बच्चा है लेकिन उसका जो ज्ञान आपका जो है 15 साल के बच्चे के बराबर है, हम इसको पिछड़ा बच्चा नहीं बोल सकते, ठीक है? तो अगर किसी बच्चे का मानसिक आयु कम है तब हम बोल देते हैं क्या, कि वो बच्चा आपका जो है पिछड़ा आपका है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका 13 है, सृजनात्मकता के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाध्य नहीं है? अगर क्रिएटिविटी हो गया, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी आपको होता है, है ना, जो क्रिएशन करता है उसको बोलते हैं, है ना, सृजनात्मकता बोलते हैं। तो सृजनात्मकता के लिए जो है, क्रिएटिविटी के लिए जो है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक आपका बाधक नहीं है? एकाधिकार का उपागम, कठोर आदतें, परंपरावादी दृष्टिकोण की अनुक्रिया में स्वतंत्रता आपका। देखिए सब बाधक है आपका, है ना। अगर आप एकाधिकार उपागम का इस्तेमाल करते हैं ये भी आपका जो है बाधक आपका है। कठोर अगर आप आदत डालते हैं उसके प्रति अपनाते हैं तो भी ये आप उसके लिए बाधक है, है ना। परंपरावादी दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं पौराणिक चीज़ों का तो भी उसके लिए बाधक है। अगर किसी में क्रिएटिविटी चाहते हैं तो अनुक्रिया में जो वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है उसमें उसको क्या करना है, फ्रीडम देना आपका। क्योंकि जब तक उसमें फ्रीडम नहीं उसको मिलेगा तब तक वो क्रिएटिव जो है सोच नहीं सकता है, क्रिएटिव कर नहीं सकता है। सो क्रिएटिविटी का जो है पहला स्टेप यही होता है कि बच्चे को क्या किया जाए, स्वतंत्र छोड़ा जाए ना। क्योंकि जब तक स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, और एक्स्ट्रा करना ही कहलाता है क्या, सृजनात्मकता कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है। क्वेश्चन 14, वे बालक जो सामान्य सामाजिक नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं क्या कहलाते हैं? जो बालक जो है सामाजिक नियमों के विरुद्ध आचरण करता, जो समाज का नियम बनाया गया है उसके विरुद्ध अगर आचरण करता तो क्या हम उसको पिछड़ा बालक बोलेंगे, क्या उसको हम दिव्यांग बालक बोलेंगे, क्या उसको हम समस्यात्मक बालक बोलेंगे, या मानसिक रूप से मंद बालक बोलेंगे? नहीं, इसका ऑप्शन आपका जो है सी सही जाएगा, क्योंकि उसको पिछड़ा बालक भी नहीं बोल सकते, है ना। पिछड़ा बालक भी जो होता है वो समझता है कि समाज में बड़ों का आदर करना चाहिए। अगर कोई बच्चा समाज में बड़ों का आदर नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध वो आचरण कर रहा है, और सामाजिक नियमों के अगर विरुद्ध आचरण कर रहा है तो क्या उसको हम समस्यात्मक बालक बोलेंगे, वो बिगड़ा हुआ बालक है। और बिगड़ा हुआ बालक को ही हम लोग बोलते हैं कि समस्यात्मक बालक है, ठीक है। उसको बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और आपका, इसको बोलते बिगड़ा बालक, मतलब उसमें समस्यात्मक है, उसको मोटिवेट करने की आवश्यकता आपका। ऐसे बालकों को जो है मोटिवेट करने की आवश्यकता होता है, तो उसको हम पिछड़ा नहीं बोल सकते, ना ही दिव्यांग बोल सकते, वो समस्यात्मक बालक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, समायोजन से क्या अभिपारी है? इस क्वेश्चन को पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था। समायोजन का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में जो है अपने आप को जो है अनुकूलित करना होता है। तो समायोजन से क्या अभिपार है, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना समायोजन है, आवश्यकताओं की पूर्ति उपरांत प्राप्त संतुष्टि समायोजन है, वातावरण के साथ संतुलन बनाना ये समायोजन है। इसलिए उपयुक्त तीनों आपका इसमें जो है आंसर आपका क्या है, सही आपका, ठीक है। ये सभी प्रक्रियाएं जो है, सभी क्रियाएं आपका जो है समायोजन के अंतर्गत ही आता है। आवश्यकताओं की पूर्ति हो गया, हमें जो पाना था पा लिए, संतुष्टि आ गई, एक प्रकार का समायोजन हो गया। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, ये भी समायोजन हो गया। वातावरण के साथ संतुलन बनाना सीख गए, ये भी एक प्रकार का समायोजन है। इसलिए डी ऑप्शन इसका जो है सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहा जाता है? समाज में लिंग के लिए जो अवधारणा होती है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? जेंडर विभेदीकरण के नाम से जानते हैं, कि जेंडर भूमिकाएं के नाम से जानते हैं, कि जेंडर पहचान के नाम से जानते हैं, कि जेंडर रूढ़िवादिता के नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं जेंडर
रिवादिता बोलते थे, जो इस बात को मानते हैं कि लड़की जो होती है हीन होती है और लड़का जो होता है आपका जो है बढ़िया होता है, उसको बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं। वो पौराणिक क्रियाओं को मान रहे हैं, जो पुराने ज़माने में होता था उसको मान रहे थे। उनका हमेशा यही मानना रहेगा, जो भी जेंडर रूढ़िवादिता को फॉलो करते हैं उनका सिर्फ यही मानना होता है कि हमारा समाज जो है वो पितृप्रधान आपका है। जबकि जो जेंडर रूढ़िवादिता को फॉलो नहीं करते उनका मानना होता है कि हमारा समाज क्या है, इक्वलिटी पर डिपेंड करता है। इस समाज में सभी मेल को, सभी फीमेल को जो है, सभी लिंग को जो है समान अधिकार दिए गए हैं। वो मेल हो, फीमेल हो, या अदर लिंग आपका होते, अलग अदर जेंडर आपका होते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए जो है विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें माता पिता घर के कार्यों में लगे रहते हैं और माता साहसी गतिविधियों को करती है, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? अब देखिए, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, गलत। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, तीसरा आपका यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है ना। अब सबको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही है। अगर किसी घर में जो है पिता जो है क्या कर रहे हैं, घर के काम को कर रहे हैं और माता किसी साहसिक गतिविधियों को कर रहा है, ये घर ये बताना चाह रहा है आपको जो है कि उस घर में जो है जेंडर रूढ़िवादिता नाम का कोई चीज़ आपका नहीं है। वो घर जो है जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहता है। उस घर में जो है ऐसा नहीं है, पितृप्रधान घर नहीं है, उसमें महिलाओं को भी उतनी भूमिका है जितनी भूमिका आपका जो है पुरुषों का है। वो घर आपको बताना चाह रहा है कि जो है कि लड़कियां भी साहसी होती है आपका, ठीक है। तो जेंडर रूढ़िवादिता को जो है समाप्त करने का विचार आपका, इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों के जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सी पद्धति प्रभावशाली है आपका? बच्चों में जो है जेंडर रूढ़िवादिता को अगर ख़त्म करना है, जो जेंडर की जो कॉन्ट्राडिक्शंस जो है समाज में जो पैदा किया गया, अगर उसको ख़त्म करना है तो कौन सा बेहतरीन आपका जो है काम करना चाहिए? पहला कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए। दूसरा, जेंडर विभिषित भूमिकाओं का महत्व देना चाहिए। ये तो एकदम गलत है ना। जेंडर विभिषित भूमिकाओं का महत्व अगर हम देंगे तो हम क्या जेंडर रूढ़िवादिता को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं ख़त्म कर सकते। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना चाहिए, ये भी गलत है। ये नहीं कि जो है मेल को अलग से खेलने के लिए देंगे, फीमेल को अलग से खेलने के लिए देंगे। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, जेंडर को अलग अलग प्रकार से बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये तीनों ही आपका गलत आपका, क्योंकि जब तक जो है मेल फीमेल को साथ में बैठा करके जो है क्रियाएं नहीं होगा, जब तक जो है लड़का लड़की को एक साथ बैठने की जो अनुमति नहीं होगी, तब तक हम जेंडर रूढ़िवादिता को जो है ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए आपका जो है ए ऑप्शन आपका जो है सही होगा। जेंडर पक्षपात के बारे में क्या करना है हमको, लोग जो है परिचर्चा करना, लोगों को बताना है कि कैसे जो है जेंडर पक्षपात किया जाता है ना। हमें सोसाइटी को बताना है कि सोसाइटी में आपका जो है लड़कियाँ भी उतना ही बेहतरीन काम कर सकते जितना जो लड़के करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को परिचर्चा करना है। इसलिए इसका ऑप्शन ए आपका क्या है, सही जाएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा हेल्प मिलता है ना, मेरे किए हुए कामों की सराहना होती है, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन जो है वीडियोज़ बना करके जो है लाता रहूँगी। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे के द्वारा बनाए गए पहचान सहजनाभूत सिद्धांत नैपिव थ्योरीज के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों द्वारा बनाए गए पहचान सहजनाभूत सिद्धांतों को जो है के संदर्भ में जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों को इन सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चे को दंडित कर देना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा जो है एक ही सिद्धांत को बदल देना चाहिए, या प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चे को जो है सिद्धांत को चुनौती देनी चाहिए आपका? इक्वेशन ये कह रहा है कि जो है कि अगर किसी क्लास में आपका जो है कोई ऐसी घटनाएं हैं, कोई ऐसा थ्योरी है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, उसको क्या करना चाहिए? अनदेखा कर देना चाहिए। अगर बच्चा समझ नहीं रहा तो उसको पीटना चाहिए क्या? उसको बार बार बोलेंगे कि चलो क्या करो, इसको याद कर लो, इस सिद्धांत को याद कर लो,
है ना। नहीं, ये तीनों जो है ऑप्शन क्या आपका गलत है आपका, क्योंकि अगर इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। बल्कि ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरण देकर के जो है बच्चों क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। हम एग्जाम्पल्स का सहारा लेंगे और एग्जाम्पल से बच्चों क्या करेंगे, समझाएंगे, उनको चुनौती देंगे ताकि बच्चे हर चीज़ को क्या करें, समझ जाए आपका। इसलिए डी नंबर ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही है आपका, बाकी सब आपका जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, छात्र केंद्रित शिक्षा साथ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी आपका, इसकी क्या विशेषता है। सिंपल है ना, जिस शिक्षण शास्त्र में जो है बच्चे को जो है मुख्य बिंदु पे रखा जाता है उसको बोलते हैं क्या, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी बोलते हैं, है ना। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं आपका, तो इसकी अब ऑप्शन में देखता हूँ ऑप्शन क्या आपका है। पहला करें कि जो है केवल पाठ पुस्तकों पर निर्भर होना, दूसरा बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, तीसरा यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में जो है बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए आपका, पाठ पुस्तक पर डिपेंड नहीं होना, ना ही उसको जो है यंत्रवत याद करवाना है और ना ही हमें इस क्रिया को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का जब आप इस्तेमाल कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा फोकस किस पर होनी चाहिए, बच्चों पर होना चाहिए। इसलिए बच्चों का जो फीलिंग है उसकी प्रमुखता देनी चाहिए, तभी हम जो है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को जो है निभा रहे हैं, अदरवाइज वो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी नहीं हो जाएगी। इसलिए बच्चों की जो भी अनुभव आपका जो उसको प्रमुखता देनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21, जीन पियाजे एवं बायगॉट्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो जीन पियाजे जो है अधिगम को जो है सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा लॉरेंस कोहलबर्ग की जो है नैतिकता तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन देखिए कि आपका कहा गया है, करण के स्वचालित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए जो वैध होता है। अब इसे पूछा जा रहा है कि जो है इसमें लॉरेंस बर्ग की जो है कौन सी जो है नैतिकता की पहचान की गई है, या लॉरेंस बर्ग की जो है कौन सी नैतिकता की अवस्था है आपका। तो लॉरेंस बर्ग की जो है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत का जो है अभिविन्यास आपका है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही जाएगा। ये वर्णन ये बताता है कि ये लॉरेंस बर्ग की जो है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत बताता है आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही। 23, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषण करता है। तो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषित करने वाला जो फैक्टर आपका है वो आपका जो है बी नंबर, संरक्षण कक्षा समावेश। जीन पियाजे ने जो है इस प्रकार की कक्षाओं पे जो है ज़्यादा बल दिया है, संरक्षण कक्षा समावेश पे आपका, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जो है जीन पियाजे की जो संरचना थी वो था स्कीमा था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। संज्ञात्मक विकास में जो है के संदर्भ में जो है जीन पियाजे की जो संरचना थी उसको जो है स्कीमा का नाम दिया गया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका जो है सही माना जाएगा। 25 नंबर, इनमें से किस वैज्ञानिक ने बच्चों के को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया था। कौन सा वैज्ञानिक ने जो है बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु का प्रभाव को महत्व दिया था। उन्होंने बताया था कि जो है बच्चे के चिंतन पर जो है समाज का और संस्कृति का जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो उस वैज्ञानिक का नाम था आपका जो है जीन पियाजे था आपका। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
सामाजिक और संस्कृति जो जो था ना, वो विषय किसका था? जीन पियाजे का था। किसका था? जीन पियाजे का आपका था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है। क्वेश्चन 26, संवेग के किस सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत कहते हैं? संवेग के किस सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ आपका जो है। तो संवेग के किस सिद्धांत को जो है द्विकारक सिद्धांत कहते हैं? इसका जवाब हो जाएगा आपका जो है बी नंबर आपका, शेल्टर सिंगर सिद्धांत। शेल्टर सिंगर सिद्धांत को जो है संवेग के जो है द्विकारक सिद्धांत के रूप में जो है जाना जाता है, इसलिए बी नंबर। 27, जीवन का संचयी काल किस अवस्था को माना गया है? जीवन का संचयी काल जो है किस अवस्था को माना जाता है? तो जीवन का संचयी काल जो होता है आपका जो है शैशवावस्था को माना जाता है। किसको माना जाता है? शैशवावस्था को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पे सही है। 28, इनमें से कौन सा चरण जो है मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है? इनमें से कौन सा चरण जो है मनोसामाजिक विकास का जो है अंतिम चरण माना जाता है? 28 का जो हो जाएगा सी, संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा, ये मानसिक मनोसामाजिक का विकास का जो है सबसे अंतिम चरण माना जाता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, मापन को हम उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषता का आंशिक वर्णन होता है। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई थी? हेलम स्टेडर के द्वारा दी गई थी। यह परिभाषा जो है हेलम स्टेडर के द्वारा जो है दी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही होगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए है, और मैं फिर से आप लोग को जो है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने भी जो है मिशन 40 सीटेड को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मिशन 40 सीटेड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में अगर आप जो है मिशन 40 पे सीटेड की जो है या टीचर प्रिपरेशन की जो है किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, वो सीटेड की हो फिर या फिर जो है बीटेड का हो, एसटेट का हो, आप रीट की तैयारी करना चाहते हो या फिर आप केबीएस की तैयारी करना चाहते हो या एनबीएस की तैयारी करना चाहते हो, किसी भी स्कूल बेस्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप जो है मिशन 40 सीटेड को जो है आप प्ले स्टोर से जो डाउनलोड कर लें और इस पर बड़े ही किफ़ायती खर्च पे जो है आप इसका प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है 30 नंबर है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन जो है किसके द्वारा किया गया है? उनका नाम था कैनन। कैनन ने जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन करने का प्रयास किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी आपका जो है सही है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए मैं इस और भी बेहतरीन वीडियोज़ बना कर लाऊँ जिससे आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है आसानी से जो है क्वालिफाई हो जाए।